हाय गाइस, आप स्वागत है द न्यूट्रिगल चैनल पे। मेरा नाम है निताशा सिंह। तो फाइनली आज लॉन्च कर दिया है वीवो ने अपना एक धमाकेदार डिवाइस जिसका नाम है वीवो Z1 Pro। ये वीवो का हमारा पहला डिवाइस है जिससे वीवो ने ऑनलाइन मार्केट में एंटर किया है और इससे वीवो ने एकदम जबरदस्त तरीके से एंट्री मारी है अपनी, मतलब एकदम हीरो स्टाइल में एंट्री मारी है, क्योंकि इस डिवाइस के अंदर आपको बहुत ही कमाल के फीचर्स मिलते हैं, बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं। तो चलिए फटाफट से मैं आपको बताती हूँ कि इस फोन में हमें क्या क्या मिलता है। तो जल्दी से खोल लेते हैं हम इसके बॉक्स को। डिवाइस का मेजर हाईलाइट ये है कि ये हमारे इंडिया का पहला डिवाइस है स्नैपड्रैगन 712 प्रोसेसर के साथ। उसके साथ आपको इस डिवाइस के अंदर मिलता है इन डिस्प्ले कैमरा, साथ में डेडिकेटेड गेम मोड मिलता है पबजी खेलने के लिए, और बैक में आपको मिलता है सुपर वाइड एंगल कैमरा। चलिए फटाफट से मैं आपको ये दिखाती हूँ सारे फीचर्स। ये रहा हमारा डिवाइस वीवो Z1 Pro जिसका कि मेरे पास है सोनिक ब्लू कलर। देखने में डिवाइस हमारा काफी प्यारा लग रहा है। वीवो हमेशा ही अपने डिवाइसेस के अंदर एक अट्रैक्टिव लुक लेकर आता है, तो आप देख सकते हैं कि डिवाइस आपके हाथ में होल्ड करा हुआ काफी स्टाइलिश और मस्त लगेगा। इसकी डायमेंशन की अगर हम बात करें तो 162.4 इसकी हाइट है, 77.3 इसकी विड्थ और 8.8 mm इसकी थिकनेस, और ये डिवाइस हमारा 201 grams का है। डिवाइस एकदम शाइनी ब्लू कलर का हमें मिल रहा है और बैक साइड आप देख सकते हैं हमारी कर्व है, तो इजिली एक हाथ से होल्ड करके आप इसको यूज कर सकते हैं। और काफी सारे फीचर्स डाले हैं वीवो ने इसके अंदर, तो जल्दी से स्विच ऑन करके सेटअप करती हूँ मैं इसको। और सबसे बढ़िया चीज जो है वो आप देख सकते हैं कि ये हमारे वीवो का पहला इन डिस्प्ले कैमरे वाला डिवाइस है। डिवाइस आप देख सकते हैं सेटअप हो गया है और डिस्प्ले हमारा बहुत ही प्यारा नजर आ रहा है। मतलब वाटर ड्रॉपलेट डिजाइन हो या फिर हमारा नॉच हो, उनसे एक्चुअल में बेटर ये लगता है यूज करने में। इसके अंदर हमें 6.53 इंच का अल्ट्रा फुल व्यू डिस्प्ले मिलता है और उसके साथ फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन मिलती है। डिस्प्ले हमारा ब्राइट है, कलरफुल है, और इसके डिस्प्ले में आपको काफी सारे मोड्स भी मिल जाते हैं अपने आई कंफर्ट के लिए। कलर टेम्परेचर का भी एडजस्ट कर सकते हैं। सबसे पसंदीदा मोड मेरा तो डार्क मोड है, जो कि यूज करने में बहुत ही मजेदार लगता है। और इन डिस्प्ले जो कैमरा है हमारा, वो है भी हमारा 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है। पर कैमरा से पहले आइए नजर डालते हैं इसकी परफॉर्मेंस पे। इस डिवाइस का मैंने गेमिंग रिव्यू कर दिया है जिसमें हमने पबजी खेली थी, और पबजी फैंस के लिए तो ये डिवाइस हमारा काफी अच्छी ऑप्शन है। उस वीडियो का मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। आपको इस डिवाइस के अंदर इतने सारे फीचर्स मिलते हैं गेमिंग के लिए भी, और पबजी के लिए आपको इसमें कुछ और स्पेशल मोड्स भी मिलते हैं। 4D वाइब्रेशन मिलती है, 3D सराउंड साउंड मिलता है, तो मतलब जो पबजी एक्सपीरियंस है वो और जबरदस्त है। और वैसे ओवरऑल परफॉर्मेंस अगर इस डिवाइस की देखी जाए तो वो भी हमारी काफी बढ़िया आती है। इसके अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे इंडिया का ये पहला डिवाइस है स्नैपड्रैगन 712 प्रोसेसर के साथ। उसके साथ इस डिवाइस के अंदर आपको फनटच OS 9 का इंटरफेस, जो कि बेस्ड है हमारे एंड्रॉयड 5 पे। साथ ही अगर इस डिवाइस के हमें एंटूतु स्कोर की बात करें तो वो भी हमारा 1,84,000 आया, और इसके एंटूतु स्कोर में अगर आप GPU को देखें तो इसका GPU जो है वो हमारा बहुत ही सॉलिड है। 55,000 स्कोर है इसके GPU का। बहुत ही जबरदस्त गेमिंग एक्सपीरियंस होगा आपको, चाहे आप कोई भी गेम खेलें। मतलब पबजी के फीचर्स एक्स्ट्रा हैं, ठीक है, बाकी आप अपनी फेवरेट गेम्स भी इस डिवाइस में बहुत अच्छे से एंजॉय करेंगे। मतलब स्नैपड्रैगन 675 का जो प्रोसेसर है हमारा और स्नैपड्रैगन 710 का जो प्रोसेसर है, उससे तो सॉलिड परफॉर्मेंस आपको मिलेगी। और साथ ही इस डिवाइस के अंदर आपको मल्टी टर्बो भी मिल जाता है, तो मतलब गेमिंग एक्सपीरियंस तो बहुत ही सॉलिड है डिवाइस का। मेरे हिसाब से एक बार गेमिंग टेस्ट जरूर देखिएगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि कितनी मस्त परफॉर्मेंस मिलती है हमें इसके अंदर। अब इसके बाद अगले हाईलाइट की बात कर ही लेते हैं, जो कि है हमारा कैमरा सेटअप। सबसे पहले बैक में तो ट्रिपल कैमरा सेटअप है हमारे पास, 16+8+2 का। 16 वाला मेन लेंस है हमारा, जिसके अंदर आपको सोनी का IMX499 का सेंसर मिलता है। एपर्चर साइज है 1.78 का, और 8 वाला है हमारा सुपर वाइड एंगल लेंस, मतलब 120 डिग्री का आपको इसके अंदर एंगल मिलता है, और 2.2 एपर्चर साइज है। साथ में 2 megapixel का डेप्थ सेंसर है 2.4 एपर्चर के साथ। पिक्स आप देख सकते हैं, सबसे पहले तो सुपर वाइड मोड की आप देख सकते हैं, बढ़िया एंगल मिलता है आपको। पूरे रूम की पिक लेनी हो, लैंडस्केप पिक लेनी हो, और सबसे बढ़िया चीज ये है कि आप इसके सुपर वाइड एंगल, सुपर वाइड मोड के अंदर वीडियोग्राफी भी कर सकते हैं, तो ये तो और प्लस पॉइंट हो गया। साथ में डिटेलिंग बहुत प्यारी आ रही है। बुके मोड में भी आप देख सकते हैं हमारा एज डिटेक्शन काफी सही लग रहा है, और कलर्स भी हमें अच्छे मिलते हैं, वो तो आप देख ही सकते हैं। बढ़िया पिक्स आई हैं बैक कैमरा से। इवन इसका जो सेल्फी कैमरा है उसका भी कोई कंपटीशन नहीं है।
32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है हमें 2 अपर्चर के साथ, और एक्चुअल में 32 कईयों ने देना शुरू कर दिया, लेकिन इंडस्ट्री में देखा जाए तो वीवो का तो बेस्ट है। आपको काफी सारे मोड मिलते हैं, नॉर्मल मोड, AI ब्यूटी मोड, HDR मोड, पोर्ट्रेट मोड, पोर्ट्रेट स्टूडियो और इफेक्ट मिलते हैं, आपको इसके अंदर स्टिकर्स मिलते हैं, मजेदार तरीके से आप इसके अंदर अपनी सेल्फीज लेके सीधा अपलोड कर सकते हैं। तो कैमरा वाइज भी ये डिवाइस हमारा एकदम बढ़िया हो गया। अब इसके बाद अगला हाईलाइट जो है इस डिवाइस का, वो मुझे बहुत पसंद आया, मतलब पर्सनली आई लव दैट कि इस डिवाइस के अंदर आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं। अगर बैटरी ना हो तो डिवाइस को एंजॉय कैसे करेंगे। इसके अंदर हमें 5000 mAh की बड़ी बैटरी मिलती है, आप डिवाइस को बढ़िया तरीके से यूज कर सकते हो। मैंने इसका 1 day रियल लाइफ यूज करके बैटरी ड्रेन टेस्ट किया था, मतलब बैटरी बैकअप एकदम कमाल का है। वो वीडियो का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर देखिएगा। सो बैटरी बैकअप तो बहुत ही बढ़िया हो गया। आइए बॉक्स पे नजर डालते हैं कि अंदर बॉक्स के क्या क्या है। ये आप देख सकते हैं हमारे कुछ डॉक्यूमेंट्स है, साथ में ये है हमारा बैक केस, ये हमारा ट्रेवल अडैप्टर जो कि 18 वॉट का फास्ट चार्जर है, मतलब ये हुई है कंप्लीट बात, तो आपका डिवाइस फटाफट से चार्ज हो जाएगा। साथ में आप देख सकते हैं हमें इसके अंदर माइक्रो यूएसबी केबल मिलती है, और उसके साथ ईयरफोन्स भी मिलते हैं बढ़िया क्वालिटी के, जिनके अंदर आपको 3.5 mm हेडफोन जैक भी मिलता है। इसके साथ इस डिवाइस के अंदर हमें फेस अनलॉक, फिंगरप्रिंट लॉक मिलता है। आप देख सकते हैं फेस अनलॉक हमारा काफी क्विकली डिवाइस को अनलॉक कर रहा है, और फिंगरप्रिंट लॉक हमारा बहुत फास्ट है, आपको बढ़िया परफॉर्मेंस मिलेगी इसके फिंगरप्रिंट लॉक में भी। सो ओवरऑल देखा जाए तो ये हमारा एक कंप्लीट डिवाइस बन जाता है। हमें डिस्प्ले वाइज बढ़िया है ये डिवाइस हमारा, कैमरास आपको कमाल के मिल जाते हैं, फ्रंट हो बैक हो, आपको परफॉर्मेंस एकदम टॉप नॉच मिल रही है। उसके साथ डेडिकेटेड सिम स्लॉट भी मिलता है, 3.5 mm हेडफोन जैक भी मिलता है, बैटरी भी बड़ी मिलती है, फास्ट चार्जर भी बॉक्स के अंदर मिलता है, डिजाइन एंड लुक भी हमें डिवाइस के अंदर बढ़िया मिल जाती है। वैसे साथ में आपको इसके अंदर प्लास्टिक बॉडी मिलती है, लेकिन वो जस्टिफाई है, और प्राइस की वजह से ये डिवाइस हमारा एकदम किलर ऑप्शन बन जाता है। क्योंकि अगर देखा जाए तो वीवो ने इसके 3 वेरिएंट निकाले हैं, 4GB 64GB, 6GB 64GB और 6GB 128GB, और तीनों का जो प्राइस है वो काफी एग्रेसिव रखा गया है। और इसका प्राइस जो है वो आपने वैसे तो थंबनेल में देख लिया होगा, साथ ही ऊपर कार्ड में भी मैंने दिया हुआ है, और नीचे डिस्क्रिप्शन में इसके खरीदने के लिंक के साथ भी दिया हुआ है। मेरे हिसाब से टेस्टिंग से आप इसकी सारी पहले देख लें, आपके पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा, डिवाइस हमारा एक बढ़िया ऑप्शन बन जाता है इस बजट के अंदर। सो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, मैं जल्द वापस आऊंगी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। सो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।